फिलहाल हम लोग भाई जाट धर्मशाला में हाँ जींद में, और उरा है जो खाप प्रवक्ता भी पहुंच रहे थे और युवा साथी भी पहुंच रहे थे, एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में के फैसला लिया गया और के मुद्दा था, तो बातचीत करांगे युवा भाइयों से। राम राम भाई बोलो। राम राम सारे भाइयों ने, राम राम भाई बोलो भाई, के मुद्दा था आज जो मीटिंग हुई? आज जो मुद्दा भाई, आज जींद डिस्ट्रिक्ट की सारे की सारी खप्पे हमारे बुजुर्ग इकट्ठे हो रहे थे। मुद्दा के था, मुद्दा तो इसने कहो ना, मुद्दे तो बनाए हुए बने, मुद्दा था ही नहीं। चीज़ के हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और व्हाट्सएप है, इसके ऊपर कुछ लोग हैं गिने चुने जिनकी संख्या 400-500 है। एक भी को नहीं, एक का मतलब एक दो हों, दो चार होंगे, नाम भी ले दूर सारे के, मतलब कि साडर बिना 400-500 ही संख्या, उसमें लड़के भी हैं लड़कियाँ भी हैं। रात ने लाइव आव ऐसी माँ बहन की गालियाँ दें देव या ऐसी ऐसी तैसी कर रहा है कि मेरी संस्कृति की ऐसी माँ बहन एक कर रखी है, उनके लुगाई छोरी कौन भाई, उनका माँ बाप को, उनका पड़ोसी को, उनका गांव को, उनके गांव राम क्या तो कौन टोकदा, इतनी बूंदी बूंदी गाली दें, इतनी बूंदी बूंदी गाली दें, इतनी गंदगी फैला रखी है। हरियाणा तो वो था जो 99% मेडल हरियाणा जीत के लिया हुआ है, आज आप देखते हो गए वेब सीरीज 70% हरियाणा को प्रलकड़े हैं, मूवी देखते हो गए आप 30% हरियाणा को प्रलकड़ लाएगी, बॉलीवुड के ऊपर हरियाणा कब्जा, विदेशों में हरियाणा कब्जा है, सारा हरियाणा कब्जा, क्योंकि हमारी जो खाना पीना रहन सहन जो हमारी चीज़ें थी उन तय। आज के भाई सोशल मीडिया देखो आप, 8-10 साल का बाड़ा भी फोन चलाओ काट है, सबसे पहले खगड़े खगड़ी बैठी पाओ फोन के ऊपर कौन चला लेगा, आजकल सबकी में ऑनलाइन चल रहा है, कई इन गए खगड़े बजाय देखो क्यों इन तम है, उन्हें देख रहे हैं मनु बता दूँ भाई, इनकी कोई ना देख दान लंगवाड़िया नहीं लंगवाड़िया ने, ये तो जान बूझ के आग गाँव हैं, क्योंकि इनकी मिलियना में प्रमोट भाई, इनके चैनल इतने बड़े बड़े इनके चैनल बन रहे हैं, इतने बड़े इतने लोग इन्हें फॉलो कर रहे हैं। जिस टाइम पर मैं भाई सुबह उठा करूँ, मैं अपना फोन चला के देखूँ, तीसरी चौथी पोस्ट इनकी पावर है। फैसला तो भाई जज्जर वाली खा बटली करी दिया, जींद वाली करी, हिसार वाली करांगे, सारा हरियाणा खापा बटली करांगे, बड़ा लेवल बचाएगा पूरा पूरा उत्तर भारत की खापे बटली कर कंद्र भाई, जो इतनी पूरा उत्तर भारत से इसकी संस्कृति बचानी है, किसी भी कीमत पर जो हमारे बुढ़े हैं जो हमारा संस्कार दिए थे ना वह बचाने हैं, क्योंकि इतनी फुर्ता फैल गई समाज में, इतनी फुर्ता फैल गई है, रात ने 4-5 लंगवाड़े इंस्टाग्राम पर लाइव आवे हैं, उनकी वीडियो यूट्यूब पर जाऊँ और फेसबुक पर जाऊँ, सारे फिर ग्रुपा में जाऊँ, सारा का सारा यो मैटर चल रहा है भाई, इतना बूंडा बोल रहा है, इतना बूंडा बोल रहे तो सुन नहीं सकता कोई भी, उनका गाम राम को नहीं, काके ताऊ को नहीं, उनका बाण बेटी को नहीं, तो रुकता क्या तो कौन समाज, कानूनी कार्रवाई दे रखी है। डी साग अब आगे जज्जर में भी दिया था, रोहतक में भी दिया था, करनाल में भी दिया था, पंचायत में ज्ञापन भी दे रखे हैं, अगर जो प्रशासन कार्रवाई करे तो ठीक से, हमारी पंचायत से बूढ़े बुजुर्ग अगर जो कार्रवाई करें तो ठीक से, नहीं तो भाई यो हरियाणा का युवा एक इतना बड़ा जन आंदोलन करेगा बहुत बड़ा भाई आने वाला टाइम। मोहित भाई क्या कहना चाहोगे? भाई कहना तो क्या है भाई, जमा मतबल बेशर्मी की अधूरी है, ये 5-7 है बबलू तो 500-400 का उधार, मेरी नज़र में तो ये 5-7 हैं भाई जो इस गिरोह ने चलानिए हैं, इन ने ईसा भूडा काम कर रखा है मेरे भाई आने वाली जनरेशन कड़ा है। और दूसरी बात, जो लोग इनकी लाइफा पर जुड़े हैं यार, 10-10 हज़ार मानस इनकी लाइफ पर जुड़े हैं, अगर जब तू समाज खतरा आज कि मैं भी अच्छी बात कहने लग दे तने चार मानस कौन देखे थे वहाँ, इसका मतलब तो यो हो गया भाई, गात दिखाओ और लोग जोड़ो, नंगा नाच करो और लोग जोड़ो भाई, माम इस चीज़ के खिलाफ। हाँ आज जिंदगी कम से कम 7-8 खाप इकट्ठी हुई हैं, एक टाइम और ले आए 15-20 दिन पाछा जिंदगी, मतलब जिंदगी भी सफी तो पूरा हरियाणा की सारी खापा ने इकट्ठी करके बढ़िया फैसला ले आए भाई, यू ट्रेलर था आगे पूरी फिल्म दिखा जाए। रही उनती लोकल भाई हैं जो से हमारे आसपास के जिंदगी हैं लोग दौड़े गए, उन्होंने कहा भाई तारे घर भी दूर को नहीं करा भी आ जाए गाम आराम तक बात कर लें, हाथ जोड़ के विनती है भाई इस गंद ने रोक लियो भाई। राजेश भाई एक मिनट के कहना चाहोगे भाई, किस तरह समाधान होगा भाई? सबसे पहली बात तो ये तो बहुत गलत चीज़ है, प्रशासन को खुद सोचना चाहिए, सरकार को खुद सोचना चाहिए, और जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं देश के, या किसी भी संगठन के किसी भी खाप के प्रतिनिधि हैं और कोई भी पदाधिकारी हैं, तो उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। लोकल प्रशासन जो भी है अपने अपने ज़िले में ज्ञापन दें उनको और डीसी साहब को बोलें कि इस चीज़ को रुकवाया जाए, क्योंकि ये देश में समाज में फैलती हुई गंदगी के खिलाफ एक आपका आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका कर्तव्य बनता है कि इन चीज़ों को बढ़ावा ना दिया जाए। अगर इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा तो समाज की मर्यादाएं भंग होंगी, समाज की मर्यादा भंग होंगी तो बेकारी छा जाएगी। कौन चाहता है कि समाज में बेकारी हो? कौन चाहता है कि आपके घर में कोई गंदगी डाल जाए? कौन चाहता है कि आपके बच्चों के दिमाग में ऐसा कंटेंट डाला जाए जो बिल्कुल ही विपरीतार्थक है? तो इसको रोकने के लिए जो बबलू भाई हैं और भी जो युवा साथी लगे हुए हैं पूरे हरियाणा में जो ये अभियान चला रहे हैं, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और इसको इस हर एक बात को सोचना ज़रूरी है कि ये गंदगी हर किसी के घर तक पहुंच रही है।
अब बिना मतलब में छोटे छोटे बच्चे फ़ोन उठा लेते हैं। आप भी कई बार सोशल मीडिया पे कुछ भी देख रहे होते हैं, आप स्क्रॉल कर रहे होते हो, सामने वीडियो आता है, एकदम चलता है और बहुत तेज़ आवाज़ हो जाती है। जब वो शब्द आपके घर वालों के सामने आप सुनते हैं तो आप शर्मिंदा महसूस करते हैं, चाहे आप एक आम नागरिक हैं, चाहे किसान हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे आप SP DSP कोई भी पद पर बैठे हुए हो, लेकिन आप खुद एक शर्मिंदगी महसूस करते हैं। इसलिए आप अपने फ़ोन को भी चाहते हैं कि सोशल मीडिया शुरू करने से पहले म्यूट कर लें उसको। तो ये बड़ी समस्या है, इस समस्या के बारे में सोचना, समझना और इसका निदान करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी और फिर आप इस लायक नहीं बचोगे कि इसके खिलाफ भी आवाज़ खड़ी कर सको। महिलाओं के सम्मान पर भी, महिलाओं के सम्मान पे भी है इस पे, जो आजकल ये सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे जो चल रहे हैं फॉलोवर बढ़ाने के चक्कर में जो लोग अपनी अश्लीलता फैला रहे हैं, अपना अंग प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे हमारी महिला पर के सम्मान पर भी ठोस पहुँचेगी और आगे आगे पहुँच भी रही है। पहले हमारे देश को जाना जाता था रानी लक्ष्मीबाई के नाम से, कल्पना चावला के नाम से, पर आजकल क्या जाना जा रहा है, इंस्टाग्राम के फॉलोवर बढ़ाने वाली दुकान के नाम से। अब महिला तो हमारी वो थी जिन्होंने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी को जन्म दिया था, पर आजकल महिलाएं क्या कर रही है, हमारी माँ बहनें, दिन में विद्यार्थी भी, इसमें सिर्फ मैं महिलाओं का नाम नहीं ले रहा, जो बच्चे कॉलेज स्टूडेंट हैं वो भी अपना अंग प्रदर्शन कर रहे हैं, रात को लाइव आ रहे हैं, उनके माँ बाप पे उनके परिवार को भी नहीं पता कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, पर अपना फॉलोवर बढ़ाने के चक्कर में लोग इतने गिर रहे हैं कि हमारी महिलाओं के सम्मान को भूलते जा रहे हैं। हमारी महिला कल्पना चावड़ा भी थी, भगत सिंह को जन्म देने वाली उनकी माँ भी थी, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी थी, और ऐसी अनेक सी हमारी वीरांगनाएं भी है जो हमारे मान सम्मान में आज भी अपना मजबूर जीवन व्यतीत कर रही है अपने सुहाग को बॉर्डर पर कुर्बानी देकर। ठीक है, धन्यवाद। चलो भाई, इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।